सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और अच्छी सी मस्ती वीडियो के साथ। हो जो कल मैंने व्लॉग डाला था उसमें आपने बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखाया ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा कम आई है और व्यू की बात करूं तो वो भी ठीक है, चलो जितने आ गए मैं खुश हूं, बट यार थोड़ा सा तो रिस्पॉन्स दिखाओ यार अच्छा वाला। तो कैसी है अपनी पब्लिक, होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया होना चाहिए, तुम्हारे भाई की दुआएं तुम्हारे साथ है हमेशा की तरह, और आपकी हमेशा की तरह मेरे साथ होनी चाहिए। फिर ही कहाँ से यहाँ पर थोड़ी सी लाइन देखने को मिलेगी, इस एरिए में आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, खासकर शाम के टाइम बहुत ज़्यादा होता है। हो रहा है आराम आराम से चल रहा है, आपको निकलते हैं इस साइड से, है तो रॉन्ग साइड है गलत है, बट निकलेंगे। वाओ अच्छा वाओ, जब जहाँ पे पानी गिरा हो ना नॉन एबीएस को वहाँ पे रोकना मुश्किल हो जाता है यार, मेरे लिए, आप सबका नहीं मैं बोल रहा, सिर्फ मेरे लिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगती है यार। यार ठंड में व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया यार, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। एक तो दिन का पता नहीं चलता कब शाम हो जाए और कब रात हो जाए, और अगर आप थोड़ा सा भी लेट उठोगे ना सुबह तो व्लॉग अच्छे से नहीं बना पाओगे और अच्छे से एडिट नहीं कर पाओगे। अगर अच्छे से एडिट नहीं करें ना मज़ा, तो ये देखो क्या बात है भाई, जाने दे भाई जाने दे भाई। अभी मैं फिलहाल तुम्हें दिखाता हूँ जाके गाड़ी, तो गाड़ी के बारे में बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि भाई यार गाड़ी टूटी है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो दो दिन गाड़ी यहाँ पे लगी रही है, ऊपर देखो पेड़ से ना पत्ते गिर गिर के ऐसे लग रहा है, पता नहीं 2 साल से गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, इतनी बुरी हालत हो गई है भाई। तो पहले गाड़ी पीछे लगी थी, तो शायद एक गाड़ी और आई है यहाँ पे, तो इस वजह से आगे करना पड़ा। सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे इन 2 गाड़ियों का यार, सच बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है यार, और कोई इस चीज़ को और कोई फील नहीं कर पाएगा मेरे बगैर। तो मेरी दुआ है कि यार ये गाड़ियाँ जल्दी जल्दी रिलीज़ हो जाएं यहाँ से और वो इस पर काम स्टार्ट कर पाएँ। चलूँगा, और गाड़ी का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको अब रेडी होने में काफ़ी टाइम लगेगा। कहाँ जा रहा भाई, शिट क्या यार, बंदा इंडिकेटर भी नहीं दे रहा, सीधा ही मोड़ रहा है।
जितना मर्जी निकलो यहाँ से ना, निकलना मुश्किल है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी आपको। अभी वो सब पीछे रह गए हैं, मुझे नहीं लगता वो मेरे पास पहुंचेंगे फटाफट, आगे कहीं साइड पे वेट करना पड़ेगा। दिन से शाम होगी और शाम से रात होगी, तो अभी पहुंचे हम यहाँ पे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था भाई। तो मैं थोड़ा सा भूल गया था, भूला किस चक्कर में, ये तुम देख सकते हो सामने लोकेशन के थ्रू मैं आया हूँ, मैं कट मारता हुआ थोड़ा सा आगे चला गया था, उस वजह से मुझे याद नहीं रहा यार। छोड़ेंगे हम और उसके बाद निकलेंगे। तो अभी हम हैं फिलहाल जानीपुर एरिया में, तो मेरे पास है अपने बिग बी की बाइक, सादिक भाई की, तो वो मेरे पीछे बैठे हुए हैं और उनको इतना ही ज़्यादा ठंड लग रही है ना कि कहते हैं मैं बाइक नहीं चलाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इस बाइक की ना ब्रेक बहुत ही ज़्यादा कम है यार, मैंने इनको बोला भी था कि यार ब्रेक चेंज करवा देना, ब्रेक पैड शायद से इसके ना घिस चुके हैं पूरी तरीके से और इन्होंने अभी तक वो चेंज नहीं करवाए हैं। तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको ट्रैफिक, हल्का फुल्का नहीं भाई, अपने सिद्धरा नरवाल वाला ट्रैफिक नहीं होता यहाँ पे, यहाँ पे ट्रैफिक इतना होता है ना कि बात ही छोड़ो तुम। अगर आपको कहीं पे पहुँचना है ना तो आप 2 घंटे घर से पहले ही निकलोगे ना, फिर आप इस साइड आने की सोचना। अगर आप सोच रहे हो कि यार अभी आधा घंटा है तो घर से निकलते हैं चलते हैं जानीपुर एरिया, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा लंबी लाइन होती है ना, बता नहीं सकता। मैं जब दिल्ली गया था मैं सोच रहा था कि यार दिल्ली वालों ने इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ रखनी रख के ज़रूरत क्या, और इस एरिया में आओगे ना फिर तुम्हें पता लगेगा कि यहाँ के लोगों के पास कितनी गाड़ियाँ हैं। मुझे लगता है एक घर पे भी तो 5-5 गाड़ियाँ हैं जिस हिसाब से इस रोड पर जाम लगता है यार। तो अपनी बाइक है दूसरी आमिर के पास, और वो है कहाँ पर वो मुझे पता नहीं है, वो निकल गया होगा कट वगैरह मार के, तो मैं निकल नहीं सकता क्योंकि सादिक भाई पीछे बैठे हुए हैं और इनका वेट आपको पता ही है, अगर मैं कट मारूंगा ना बाइक भी गिरेगी, हम दोनों भी गिरेंगे और फिर मुझे इनसे पड़ेगी मार, और मार कैसी पड़ेगी, अब ब्रेक मार रहा हूँ ना हेलमेट के साथ सर टकरा रहा है इनका। अकेला होता ना तो उतना थोड़ी सी आसानी होती मुझे यहाँ से निकलने की यार। चाचा साइड, चाचा 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 चाचा, इतना ट्रैफिक, तो आज अपने एजाज भाई भी जम्मू आए हुए हैं, वैसे वो 2 दिन से जम्मू आए हैं और रात को भी हमें मिले थे, आज उनको भी मैंने कॉल कर दिया कि स्टूडियो पहुंच जाओ सीधा वहीं पे मुलाकात करेंगे। तो ये रही अपनी दूसरी बाइक, मैंने ढूंढ ही ली, तो यहाँ पे बाइक करनी पड़ेगी चेंज, उस पर दिक्कत हो रही है उसको क्योंकि 2 बंदे हैं ना, तो KTM RC बंदे को मार देती है भाई। मैं बैठ चुका हूँ भाई पीछे क्योंकि ठंड लग रही है इतनी ज़्यादा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बुरी हालत हो, बस आराम से चलना। मैं यहाँ से ना तुम्हें पूरा ट्रैफिक दिखाऊंगा पीछे की हाइट से। भाई लेट्स गो, आराम से आराम से।